देख रहे हैं मीडिया, मैं हूं आपके साथ साक्षी तेजा। हरियाणवी सेंसेशन सपना चौधरी इन दिनों राजनीति में कदम रखने को लेकर चर्चा में चल रही हैं। सपना ने अपने डांस के चलते लोगों का दिल तो जीता ही, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब सपना ने खुदकुशी कर जान देने की कोशिश भी की थी। दरअसल सपना 17 फरवरी को 2016 में गुड़गांव के चकरपुर गांव में एक रागनी गाई थी। इस रागनी को लेकर जमकर विवाद हुआ था। वहीं सपना रियलिटी शो बिग बॉस में आने के बाद नेशनल सेलिब्रिटी बन गई थी, उन्हें खूब पहचान मिली। बिग बॉस से निकलने के बाद सपना का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, उन्हें बॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला। सपना ने फिल्म दोस्ती के साइड इफेक्ट्स में बतौर लीड एक्ट्रेस बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके अलावा सपना ने अभय देओल स्टार मूवी में नानू की जानू में आइटम सॉन्ग किया था। बता दें कि पिछले दिनों सपना चौधरी के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की खबरें आई थी, लेकिन बाद में डांसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन खबरों का खंडन किया। सपना ने बताया कि उन्होंने कोई कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की है, वो कोई चुनाव नहीं लड़ने वाली हैं, ना ही किसी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। इसके बाद सपना की बीजेपी में आने की अटकलें तेज बढ़ रही हैं, ना कि कांग्रेस में। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए PMS मीडिया।